इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में बता रहा हूँ, सिलेबस में ज्यादा कुछ है नहीं, ये दो तीन क्लास, दो या तीन मैक्सिमम तीन क्लास में चलता है, ठीक है, इससे ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा। इस चैप्टर में दो या तीन क्लास से ज्यादा टाइम नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आज से तीन चार साल पांच साल पहले से कर चुकी, ठीक है भैया, और ये ज्यादा मार्क्स भी कैरी नहीं करता अपने साथ, ठीक है भैया, मुश्किल से दो या तीन मार्क्स से तीन मार्क्स के क्वेश्चन पूछे, और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी टॉपिक हमें पता ही, ठीक है भैया। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में, ठीक है भैया, ऐसी वेव जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक करंट दोनों, ऐसी वेव जिसके जिसके पास केवल इलेक्ट्रिक करेक्टर होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, जिसके पास मैग्नेटिक करेक्टर उसके पास मैग्नेटिक फील्ड होते हैं, लेकिन ऐसी वेव जिसके पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक करेक्टर दोनों, ऐसी वेव को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक भैया, इस चैप्टर में सबसे मेन चीज है इनकी प्रॉपर्टी, कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी कैरी करती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है, फिर यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की यूज क्या है, रियल लाइफ में एप्लीकेशंस क्या है, ठीक है भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, ठीक है भैया। उसके बाद फिर हमें एक और टॉपिक पढ़ना छोटा सा, जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट नाम का एक टॉपिक है, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है भैया। तो सबसे पहले हम वही टॉपिक पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे भैया मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल की चार इक्वेशंस थी, ठीक है, चार इक्वेशंस। हेलो भाई, एसी जनरेटर पढ़ा दिया क्या? एसी 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 जनरेटर एसी एसी अपने बात करेगा भाई, सबसे बात करेगा भैया, सुन लीजिए तो भैया, एसी भाई संडे की क्लास में एलसी ऑसिलेटर और डीसी जनरेटर, और सुन लीजिए भैया, मंगलवार से सुबह, याद दीजिए, मंगलवार से सुबह 8:05 से लेके करेक्ट 9 बजे तक क्लास रहेगी ऑफलाइन सेकंड चैप्टर की और सेकंड बुक की। तो भैया जो बच्चा इंटरेस्टेड है सेकंड बुक में ऑफलाइन आने के लिए वो आ सकते हैं, क्योंकि सारे स्टूडेंट लगभग खुल ही चुके हैं, सारे जो स्टूडेंट खोले तो हम क्यों पीछे कर भैया, हमने भी सेकंड बुक के लिए खोल दिया एक बैच, तो जिसको आना है जो आ सकता है घर से, जिसको अलाउ है, जिसको बच्चों को ऑनलाइन ज्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो वो आ सकता है। मैं जानता हूँ भैया ऑनलाइन सब में दिक्कत होगी, मुझे पढ़ाने में दिक्कत होती है तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि मेरे को तो आदत नहीं है, तो हंसी मजाक करते हो पढ़ाते रहते हो, ठीक है भैया, तो यहाँ पे वो ऐसा माहौल नहीं बन पाता, लेकिन फिर भी जिसको दिक्कत होगी तो आ जाएगा मंगलवार से प्रातः 8 बजे। किसको किसको दिक्कत है बेटा, आ सकता है भाई? मैं आऊंगा। बिल्कुल, और कौन आ सकता है? ऑनलाइन बेस्ट तो रखोगे ना, ये ऑफलाइन के बाद? हाँ क्यों भैया, मैं नहीं आ सकता वहाँ, ऑनलाइन इतने टाइम पे रहेगा जो भी है, अच्छे लगता भाई ऐसे बापों का बात में, तो तेरा बाप भी आगे शामिल हो गया। बापू का बाप बोल रहा हूँ, बापू का बाप बालक सा तो है, तो कोई बाप का बाप बन रहा है, बालक है, बोल रहा हूँ, अरे बालक है यो, बोले कपिल जो भी है,
दो रैपट पे जानना इसके अंदर बाप का बाप बन रहा भाई। माइक से अभी घर घर की आवाज आ रही है भाई पीछे से, भाई आवाज आ रही है भाई मतलब घर घर की आवाज आ रही है ऐसे, मतलब माइक खिलता है तो। अरे फूक मार रहे हो तुम। हाँ भाई अरे हाँ भाई ठीक है, देख रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ। तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है भैया, हमें इस चैप्टर में पढ़ना भैया, इस चैप्टर में पढ़ना भैया। आवाज आ रही है पीछे से। हाँ यार सही तो है। अरे आ रही है वो पीछे से, पता नहीं कैसे कोई स्पीकर कर दे फूकने मारता, कैसी आवाज आ रही है। अभी आ रही है, अब आ रही है भाई, जब आप बोल रहे हो तब आ रही है, जब आप बोल रहे हो तब आ रही है, बोलते हैं ना तब आती है। भैया फूक मत मारो ना तुम। फूक क्या, मैंने मुंह में थोड़ी लगा रखा है। भाई सांस लेने बंद कर दो। अभी आ रही है भाई, देखो अब आ रही है। हाँ भाई आ रही है, आ रही है भाई। अब देखिए अब आ रही है, आ रही है। कुछ बोलो, कुछ बोलो तो पहले। अब बोल तो रहा है, बोलो। हाँ अभी भी आ रही है, आ रही है भाई, आ रही है, आ रही है। अरे यार क्या कर रहे हो भाई, माइक माइक ठीक करो भाई अपना माइक। अब माइक नहीं आती थी, अभी कुछ टाइम से आ रही है। अभी आ रही है भाई, नहीं आ रही, आ रही है, आ रही है, आ रही है भाई, आ रही है भाई। क्या बोल रहे हो, आ रही है सही बताया, आ रही नहीं आ रही, मतलब मैं पढ़ा चालू करो, टाइम मत वेस्ट करो। आपकी तो आ रही है आवाज, आवाज तो आ रही है आपकी, पीछे हवा की आवाज आ रही, थोड़ी बहुत आ रही है आवाज बस। अभी लंबे सेंटेंस में आ रही है, अभी आ रहा है, अभी आ रहा है, अब बोलो। हां भाई अब भी आ रही है, आ रहा, आ रही है भाई, अब नहीं आ रही, अब भी आ रही है, आ रही है भाई, आ रही है, आ रही है भाई, आ रही है, अरे भाई ना आ रही है, नहीं आ रही, चुप रहो, नहीं आ रही, अरे अब नहीं आ रही भाई, अब नहीं आ रही, पढ़ाओ पढ़ाओ, ठीक है भाई, अब ठीक है। हां अब मेरी बात सुनिए भैया, सुन लीजिए, ठीक है, मुद्दे पे आते हैं भैया। तो जो हमें पहला यहाँ पे पढ़ना मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल इक्वेशन आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन फिर भी पढ़ाऊंगा क्योंकि वो जेई वगैरह में पूछ ली जाती है, ठीक है भैया, मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में क्वेश्चंस पे रिलेटेड, ठीक है। तो आज हम चालू करते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, पहला टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिस्प्लेसमेंट करंट। तो भैया तो बाद में जब प्रॉपर्टी कराऊंगा तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कोशिश करूंगा कि क्लियर हो जाए पूरा, नहीं होगा तो अभी ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगी तो सब बैच में रिवीजन चालू कर दूंगा, ठीक है भैया। तो भैया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो बता दे भैया, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव, ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है भैया, तो इसीलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, हीट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो ये इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के एग्जाम्पल्स थे, ठीक है भैया। अब बात करते हैं भैया हम डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। अभी आपकी पुरानी नॉलेज चेक होगी यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट करंट। देखिए भैया एक सर्किट तैयार किया गया, उसमें कैपेसिटर लगाया गया, इसे बताइए भाई, ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो भैया एक कैपेसिटर लगाया गया, अब कैपेसिटर के यहां पे एक सेल लगाया गया, ये सेल है, ठीक है भैया, यहाँ पे सेल लगाया गया, ठीक है भैया, या फिर आप ऑल्टरनेटिंग करंट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ऑल्टरनेटिंग करंट लगा दिया, ठीक है भैया। चलो सेल लगा देते हैं, ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट को कैपेसिटर क्या करता है भैया, ऑल्टरनेटिंग करंट को कैपेसिटर क्या करता है,
ऑल्टरनेटिंग करंट को कैपेसिटर क्या कहता है? अरे बस बुझू बोल यार, ऑल्टरनेटिंग करंट को कैपेसिटर क्या करता भैया? ऑल्टरनेटिंग करंट को कैपेसिटर ब्लॉक कर देता है। क्या करता भैया? ब्लॉक कर देता है, उसको अलाउ नहीं करता। ठीक है भैया, डीसी करंट को अलाउ करता है। क्या करता भैया? डीसी करंट को ऑल्टरनेटिंग करंट सॉरी कैपेसिटिव सर्किट क्या करता भैया? भैया भैया एक बार फिर बताना, एक बार फिर बता दो, मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था। कुछ नहीं किया मैंने, ठीक है भैया, कुछ नहीं बताया मैंने। मैंने सिंपल एक बैटरी ली, ठीक है भैया, उसको कैपेसिटर के पास में जोड़ा, बस और कुछ नहीं किया, समझ गया? ओके भैया, ओके ओके। अभी क्या होगा, बैटरी क्या करेगी, ध्यान दीजिए भैया, ये बैटरी क्या करेगी, धीरे धीरे इसको कैपेसिटर को क्या करेगी, धीरे धीरे चार्ज करना चालू करेगी। क्या करेगी कैपेसिटर को? धीरे धीरे चार्ज करना चालू करेगी। चार्ज तो यहाँ पे करंट आएगा, जिसको कहते हैं कंडक्शन, किसे कहते, क्या कहते हैं भैया? कंडक्शन करंट। ये क्या आईसी क्या यहाँ पे आईसी कंडक्शन करंट। अरे भाई मीटिंग मीटिंग लॉक कर दे, काम कर सुन, ओए मीटिंग लॉक कर इसे। कौन बालक आ रहा है यार, ये मिसे बार बार मीटिंग लॉक कर बार बार चौथी पांचवी लास्ट वाला आ रहे हैं। कर दी भाई मीटिंग लॉक कर दी, कर दी ना। अब जो जानकारी है ये ठीक है, ठीक है भैया। सर भाई हां, कितना चैप्टर पढ़ा दिया अभी तक? क्या कह रहे ये चैप्टर कहां तक, मतलब ये फर्स्ट टॉपिक ही चल रहा है ना अभी? हां पहला टॉपिक चल रहा है भाई। चार्ज करना चालू किया, एक बैटरी वी से इसको चार्ज करना चालू किया, ठीक है भैया। बैटरी धीरे धीरे क्या करेगी भैया? ये कंडक्शन कर, इसे कहते हैं कंडक्शन करंट, जिसको जो करंट कंडक्ट किया जा सके, जो वायर के थ्रू पास करता है, जो करंट वायर से फ्लो करता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? कंडक्टिंग करंट। जो करंट वायर के थ्रू फ्लो करता है उसे कहते हैं कंडक्शन करंट। क्या कहते हैं? कंडक्शन करंट, ठीक है भैया। तो ये बैटरी से जुड़ा हुआ था, बैटरी ने धीरे धीरे इसको चार्ज करना चालू कर दिया। ये कंडक्शन करंट यहाँ पे भी आया था, ये करंट यहाँ पे भी था, और उम्मीद थी कि भैया कंडक्शन करंट, देखिए भैया सुन लीजिए, उम्मीद अब देखिए कंडक्शन करंट यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे आके क्या हुआ, धीरे धीरे इसको इस वाली प्लेट को क्या करें भैया, पॉजिटिव चार्ज करने लगेगा। क्या करेगा भैया? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है भैया। जब पॉजिटिव चार्ज करेगा तो बाय इंडक्शन यहाँ पे क्या आएगा, इस वाले फेस पे। जब इस वाले साइड पे पॉजिटिव आ जाएगा तो बाय इंडक्शन यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव आ गया भैया, ठीक है भैया। तो ये प्रोसेस चलता रहा, यहाँ पे आईसी आ गया, यहाँ देखिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से खींच रहे, इलेक्ट्रॉन जब इधर आएगा तो करंट क्या होगा, नीचे आएगा। देखिए भैया जब ये प्लस ने क्या किया, इस बैट इस वाली प्लेट के ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इस वाली प्लेट के ऊपर कोई चार्ज था भाई? इनिशियली इस वाली प्लेट के ऊपर कोई चार्ज था नहीं था। जब इस वाली प्लेट में कोई चार्ज नहीं था तो क्या हुआ, इसके पॉजिटिव चार्ज ने क्या किया, इस बैटरी से इलेक्ट्रॉन को ऊपर की तरफ खींचा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, ठीक है भैया। जब इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाए तो कंडक्शन करके क्या हुआ, नीचे आएगा, आईसी इधर आ गया। अब भैया बताइए कि ये करंट कब तक आएगा, ये करंट कब तक आएगा आईसी भाई? जब तक कैपेसिटर का पोटेंशियल कंप्लीटली क्या हो जाए भैया, चार्ज हो जाए, यानी कैपेसिटर का पोटेंशियल और उस बैटरी का पोटेंशियल दोनों क्या हो जाए, इक्वल बराबर बराबर, जैसे हो जाएंगे, जैसे दोनों का पोटेंशियल बराबर होगा वैसे चार्ज होना क्या होगा, बंद हो जाएगा। यहाँ पे क्या है भैया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो जाएगी, यहाँ पे क्या होगी भैया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेटअप हो जाएगी, ध्यान दीजिए भैया। अब ये तो सब आपको पता ही था, पहले से पता था, मैं यहाँ पे क्या बताने लगा, बताने का इसका एक पर्पस है, ठीक है भैया। एम्पियर ने क्या कहा था, याद है आपको भैया, एम्पियर सर्किट लॉ में, एम्पियर सर्किट लॉ में क्या कहा गया था कि भैया अगर कोई वायर है और उसने करंट कैरी कर रखा है तो उसके चारों ओर क्या बनेगी, अगर कोई वायर है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके चारों ओर क्या बनेगी,
मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लूप बनेगी, क्या बनेगी, लूप, मैग्नेटिक लूप बनेगी। अगर कोई वायर करंट को कंडक्ट कर रहा है तो उसके चारों ओर क्या बनेगी भैया, एक मैग्नेटिक लूप बनेगी, ठीक है भैया, ये कंडक्शन करंट है तो इसके चारों ओर क्या बनेगी भैया, एक मैग्नेटिक लूप बनेगी, ठीक है भैया। तो यहाँ पे मैग्नेटिक लूप बनी, बराबर बात थी भैया, क्योंकि वायर था करंट ने कैरी कर, करंट कैरी कर रखा था इसने, यहाँ पे भी मैग्नेटिक लूप बनी क्योंकि वायर था करंट कैरी कर रखा था इस वायर में, यहाँ पे भी एक मैग्नेटिक लूप बनी क्योंकि वायर था करंट कैरी कर रखा था। यहाँ पे बनेगी आपके हिसाब से, बताइए आपके हिसाब से क्या यहाँ पे बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, ये लूप। अबे एम्पियर करंट तो भैया यहाँ से भी फ्लो हो रहा है ना, यहाँ पे भी मैग्नेटिक लूप बनेगी बीच में, यहाँ पे बनेगी। अच्छा तो यहाँ बनेगी, हाँ भैया मैग्नेटिक लूप बनेगी, ठीक है भैया। क्या मैं बोल रहा हूँ, क्या इस कैपेसिटर के बीच में भी बनेगी मैग्नेटिक फील्ड, जैसे ये करंट था यहाँ मैग्नेटिक लूप बन गई, यहाँ करंट था यहाँ मैग्नेटिक लूप बन गई, यहाँ करंट है यहाँ मैग्नेटिक लूप बन गई, यहाँ करंट है यहाँ मैग्नेटिक लूप बन गई, यहाँ पे बनेगी। दिमाग लगाओ आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये बनेगी। अबे ये उल्टू है दिमाग है तेरे में, पढ़ाया मैंने ये, मैंने बताया तुझे क्या पढ़ाया क्या, उसके हिसाब से बोल, बनेगी फिर बनेगी, तूने क्या पढ़ लिया बनेगी बताइयो। अब जो पढ़ा है मैं वही पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ क्या, मैंने क्या पढ़ाया, मैंने पढ़ाया भैया एम्पियर ने कहा था कि जब किसी वायर के अंदर से करंट पास करेगा तो अपने चारों ओर क्या बनाएगा, अब क्या बनाएगा, मैग्नेटिक लूप, मैग्नेटिक लूप। वायर के अंदर करंट है तो मैग्नेटिक लूप बनेगी, नहीं करंट है नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, तो भैया पढ़ाई के अकॉर्डिंग बोलेगा ना, अब ऐसी बोलेगा हाँ बनेगी, अब कैसे बनेगी बता, बनेगी अब बताइयो वीर, ओ वीर बता कैसे बनेगी भैया, इसमें से भी करंट पास हो रहा है ना, तू रहने दे, तू मत बोल, तू बता नितेश कैसे बनेगी भाई, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक वो है इलेक्ट्रिक फील्ड भाई, ज्यादा क्या नहीं मत बनाया अभी, मैंने तो पढ़ाई नहीं है, ऑसिलेटिंग कहां से आ गया, ऑसिलेटिंग क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है बता, नहीं ऐसे क्या था, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है बता तो सही, न्यूटन ने बोला भाई सुन लीजिए वर्ड का मतलब भी समझ लो, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होता है कि ऐसी बॉडी जिसके ऊपर चार्ज लगातार अपनी पोलैरिटी को चेंज कर रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन बार बार क्या होगी, बदलती रहेगी, कभी इधर से इधर, कभी इधर से इधर, कभी इधर से इधर, कभी इधर से, इसे कहते हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, समझ गया, समझ गया भाई, ठीक है भाई। अब देखो भैया, अब बताओ, अब एक्चुअल में जो आपके जनरल लैंग्वेज है, जितना सॉरी नॉलेज है, उसके हिसाब से बताओ कि क्या इस कैपेसिटर के बीच में भी बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक लूप, हाँ भैया बनेगी, क्योंकि ये भी तो करंट कैरी कर रहा है, ये करंट इसमें भी तो करंट पास हो रहा है और ये भी तो एक वायर है भाई, कहां पास हो रहा है, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, करंट कहां पास हो रहा है भाई, नहीं हो रहा करंट पास, नहीं पास हो रहा ना, तो मतलब जितना पढ़ा उसके हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड नहीं बननी चाहिए, और एम्पियर ने भी बिल्कुल यही सोचा कि भैया मैग्नेटिक लूप नहीं बनेगी, क्यों, क्योंकि भैया मैग्नेटिक लूप के लिए क्या चाहिए, करंट कैरिंग वायर चाहिए, अगर वायर के चार वायर के अंदर करंट है तभी उसके चारों मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, आप भी को आपको भी यही बोलना था, आप ज्यादा ज्ञानी बन रहे थे, कुछ थोड़ा बहुत कहीं से सुन लिया होगा, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भला फील्ड धमाका फील्ड, तो वही बता दिया, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का तो कंसेप्ट नहीं यहाँ पे, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कंसेप्ट था वो भी साइक्लोट्रॉन था, जो भी आउटर सिलेबस हो चुका है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है सुन लीजिए, आपके हिसाब से जितनी आपकी नॉलेज है या एम्पियर के हिसाब से, यहाँ पे किसी प्रकार की मैग्नेटिक लूप नहीं बननी चाहिए थी, कोई भी मैग्नेटिक लूप नहीं बनेगी यहाँ पे, ठीक है भैया। लेकिन बाय ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन में देखा कि भैया ये सारी बातें गलत हो गई, एम्पियर की बात क्या हुई,
ऑब्जर्वेशन में गलत हो गई और यहाँ पे क्या बन गई भैया मैग्नेटिक लूप बन गई, यहाँ पे भी इसके अंदर भी एक मैग्नेटिक लूप बनी और इन्होंने क्या कहा था कि मैग्नेटिक लूप कब बनेगी, अब क्या बनेगी जब करंट पास करे, जब एक वायर करंट कैरिंग वायर से कर जब करंट के अंदर से करंट पास करेगा, जब एक लूप के इस लूप के अंदर से कोई ऐसा वायर हो जिसके अंदर करंट हो तो ये लूप बन सकती थी, लेकिन यहाँ पे इस लूप का बनना इनको बड़ा अचंभित कर गया, ये इन्होंने कंपास के थ्रू देखा, कंपास यहाँ लगाया मैग्नेटिक लूप बन रही थी बराबर, कंपास यहाँ लगाया मैग्नेटिक लूप बन रही थी बराबर, कंपास यहाँ लगाया मैग्नेटिक लूप बन रही थी बराबर, लेकिन जब कंपास यहाँ लगाया उनको लग रहा था कि यहाँ पे मैग्नेटिक लूप नहीं बनेगी, लेकिन यहाँ पे भी मैग्नेटिक लूप बनी और इसकी वैल्यू उतनी ही थी। अब वैल्यू की बात आ रही है, आप सुन लीजिए, वैल्यू की बात आ रही है, तो वैल्यू के बारे में थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे वैल्यू क्यों बोल रहा हूँ। इस लूप की वैल्यू उतनी थी जितनी इन लूप्स की थी या इस लूप्स की थी, तो भैया ये अचंभित हो गया कि मतलब मेरे द्वारा दिया गया लॉ जो एम्पियर्स रिटर्न लॉ हमने बनाया था वो लॉ क्या है भैया, क्या है लिमिटेड तो क्या लिमिटेड है, गलत है, क्या है भैया एक तरह से गलत है, अधूरा है, कुछ तो कमी थी उसके अंदर, उसी कमी को सुधार के बाद में कौन लाया मैक्सवेल, उसी कमी पे काम किया और मैक्सवेल ने नई इक्वेशन दी और उन्हीं चार इक्वेशन में से ये भी एक इक्वेशन है जो उन्होंने करेक्ट किया, करेक्शन ऑफ करेक्शन बाय मैक्सवेल इन एम्पियर सर्किटल लॉ कहते हैं इसको भैया, कि मैक्सवेल ने एम्पियर सर्किटल लॉ के अंदर इक्वेशन के अंदर हम उन्होंने क्या किया भैया करेक्शन किया। तो इसका मतलब ये जरूरी नहीं होता कि भैया अगर चारों ओर मैग्नेटिक लूप बन रही है तो उसके बीच में करंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन भैया ये थोड़ी देर तक ऑब्जर्वेशन देखी मैंने, अभी आगे की स्टोरी सुनो, आगे और भी आना है, ठीक है भैया, अभी बराबर लूप बन रही थी, क्या हुआ थोड़ी बार लूप ही गायब होगी, ये लूप ये लूप ये लूप सब गाया, क्यों भाई कोई बता सकता है, सारी लूप गाया इनका पोटेंशियल हो गया था बराबर, क्या हो गया था ऐसा, ऐसा क्या हुआ कि सारी लूप गायब होगी तुमसे, पोटेंशियल जैसे ही इस कैपेसिटर का पोटेंशियल बराबर हुआ इस बैटरी के बराबर तो चार्ज का लेन देन क्या हुआ बंद हो गया, चार्ज का लेन देन बंद तो करंट खत्म, करंट खत्म तो लूप खत्म, इसके अंदर भी तभी खत्म, क्या इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है क्या, अब जब कैपेसिटर चार्ज जाएगा तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगी इसके अंदर, रहेगी जब चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो वह लूप, इस लूप में क्या हुआ था, ऐसा लूप क्यों थी, जब तक यहाँ पे करंट था यहाँ पे करंट था यहाँ पे करंट था तब तक ये भी लूप बनी हुई थी और ये सारी लूप बनी हुई थी, लेकिन जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो गया ये करंट ये करंट नहीं चला गया अंदर तो करंट ही नहीं है, तो फिर पहले कब क्यों था और अब क्यों खत्म हो गया, जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया सारी लूप एक साथ गायब क्यों होगी, कोई बता सकता है, चलो इसका जवाब आपको मिलेगा आगे, ठीक है सुन लीजिए, बात करते हैं पहले ऐसा हो क्यों रहा है, इन्होंने ऑब्जर्वेशन देखी, ऑब्जर्वेशन के साथ इन्होंने देखा कि भैया जब तक करंट फ्लो कर रहा था, करंट फ्लो कर रहा तो भैया जाहिर सी बात है यहाँ यहाँ वाला क्लियर था कि भैया करंट जब तक रहेगा तब तक ये पहली लूप लूप नंबर फर्स्ट लूप नंबर सेकेंड या लूप नंबर थर्ड बनती रहेगी, ठीक है भैया, फोर की उम्मीद नहीं थी लेकिन फोर भी ऑब्जर्वेशन में आएगी, लूप नंबर फोर भी बन गई थी और फाइव तो आपको दिख ही रही है, ठीक है भैया, फाइव फाइव वाले तो एक पुराना कंसेप्ट लेके बन गई, ठीक है भैया, लेकिन भैया थोड़ी देर बाद चार्ज होने के बाद क्या हुआ भैया कि जब बैटरी कंप्लीटली है कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया तो लूप्स पहली लूप दूसरी तीसरी चौथी पांचवी सब गायब हो गई, तो भैया पहली लूप का तो समझ में आता क्यों गायब हुई, क्यों गायब हुई, पोटेंशियल करंट करंट खत्म हो गया, दूसरी लूप भी तीसरी लूप भी वजह थी, चौथी लूप की ना तो आने की वजह पता है और ना जाने की वजह पता है, किसी के पास थोड़ा दिमाग है क्या वो बता सकता है कि चौथी लूप किस वजह से आई होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी आपके वो चक्का चली गई, अच्छा भाई ठीक है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी है तो लूप कहां भाग गई, कोई है भाई गलत वाली जो लगा दे दिमाग भैया, शायद पोटेंशियल अब वो इक्वल हो गया हो कैपेसिटर का और इसका, तो उससे क्या हो गया भाई, इंडक्शन से, हां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, ये क्या होता है कुछ ना हो भाई, ये तो नहीं पूछ रहा भाई, इसने माल वाल फूंक लिया आज
सस्ताना सा कर रहा है। अलग 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 चीजें बता यार आज ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। प्रायते भट्ट का फेवरेट स्टूडेंट है। चलो भाई मुद्दे पे ऐसा ही करता है। चलो भाई मेरी बात सुनिए, बाद में बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है भैया। हुआ क्या था एक्चुअल में, करंट वाला मामला सबको फंडा समझ में आता करंट में, तो एम्पियर ने बोल दिया था करंट होगा तो मैग्नेटिक होगा। लेकिन अंदर एक्चुअल में पता क्या हुआ था, सुन लीजिए। जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा था तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड उस वक्त कॉन्स्टेंट होगी, जबकि ये बैटरी कैपेसिटर को चार्ज कर रही थी, तो क्या इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो कॉन्स्टेंट थी? नहीं ना भाई, इंक्रीजिंग इन नेचर की थी। कैसी थी? इंक्रीजिंग नेचर की। क्यों? क्योंकि भैया कैपेसिटर लगातार चार्ज कर रहा था, यहाँ पे ज्यादा चार्ज रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी क्या थी लगातार, क्या होती है लगातार। अब भैया जब कैपेसिटर का लगातार चार्ज करता रहेगा तो यहाँ पे चार्ज की वैल्यू क्या होगी, बढ़ती जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की लगातार बढ़ती जाएगी। समझ गए? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वैरी कर रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वैरी कर रही है, वैरी कर रही थी। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करती रही तब तक ये मैग्नेटिक लूप बनती रही, बनी रही, ऐसे ही खड़ी बनी रही, ठीक है भैया। लेकिन जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो गया तो अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कांस्टेंट हो गई। जैसे ही कैपेसिटर पूरा कंप्लीटली चार्ज हो गया, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? कांस्टेंट। और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी तो वैसी लूप भी क्या हुआ? गायब हो गया, खत्म हो गया, गायब हो गया। लूप भी क्या हो गया भैया? गायब हो गया। तो इसका मतलब ये कंक्लूजन निकला, मैक्सवेल ने ये कंक्लूजन निकाला कि भैया टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या बनाती है, क्या बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड। लूप मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भैया। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गिव राइज मैग्नेटिक फील्ड। जब तक टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करेगी तब तक मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। दोबारा सुन लीजिए भैया, जब तक कैपेसिटर, जब तक ये बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करती जा रही, चार्ज करती जा रही, चार्ज करती जा रही, तब तक क्या होता भैया? इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैरी करती जाती, वैरी करती जाती, तब तक क्या बना था? मैग्नेटिक लूप बना रहा था, बना रहा था। जैसे इलेक्ट्रिक चार्ज करना बंद किया, अंदर का चार्ज कॉन्स्टेंट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? कॉन्स्टेंट होगी। वैसे क्या हुआ? लूप छूमंतर होगी। तो यानी जब तक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है तब तक आपका क्या है भैया? मैग्नेटिक लूप बना रहेगा। जैसे ही टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड गायब, कांस्टेंट हो गया, वैसे ही मैग्नेटिक लूप भी क्या होगा? छूमंतर हो जाएगा। इसका मतलब एक कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लूप। मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि नॉर्मल करंट मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, वैसे ही टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या बनाती है? मैग्नेटिक फील्ड। तो इसीलिए हमने वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोला? डिस्प्लेसमेंट करंट। करंट क्या बोला उसको भैया? डिस्प्लेसमेंट करंट। क्योंकि भैया सेम वही चीज कर रही है जो एक नॉर्मल करंट करता है। नॉर्मल करंट क्या करता है भैया? मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। यहाँ पे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करी थी? मैग्नेटिक फील्ड। Constant electric field is not displacement current. क्यों? क्योंकि वो magnetic loop नहीं बना रही। Magnetic loop नहीं बना रही। नहीं बना रही। लेकिन time varying electric field magnetic field बना रही है। तो इसका मतलब time varying electric field current के equivalent है। Time varying electric field current के equivalent है। इसीलिए हमने time varying electric field को क्या बोला भैया? Displacement current. कंडक्शन करंट के एवज में जो करंट मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, कंडक्शन करंट के एवज में जो करंट मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, मैग्नेटिक लूप बना रहा है, उसी मैग्नेटिक लूप को बनाने वाले करंट को हमने क्या कहा? डिस्प्लेसमेंट करंट। एक्चुअल में वो करंट नहीं है, वो क्या है? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। टाइम के साथ वेरी करने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। बड़ा क्लियर है? क्लियर है? हां भाई, हां भाई, क्लियर है। तो अब हम करते हैं भैया, देखिए भैया कहां गलत हुए, सुन लीजिए भैया। देखिए भैया, पहला लूप, लूप नंबर फर्स्ट के लिए, लूप फर्स्ट, पहली लूप की बात करते हो तो बी डी एल इक्वल्स में म्यू नॉट आई सी आया बराबर बराबर, ये समझ गए भैया? यहाँ का बी लिया, यहाँ का बी लिया, यहाँ का डीएल लिया, सब बी डी एल को छोड़ो, बी डी एल, 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 सारे बी डी एल को छोड़ा तो क्या आएगा भैया? क्या आएगा? म्यू नॉट आई सी पहला लूप। दूसरा में क्या हुआ? बी इंटू में डी एल, सारे बी डी एल, बी डी एल, बी डी एल, बी डी एल, यहाँ बी डी एल, यहाँ बी, येरा बी, येरा डीएल, बीडीएल, 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 सबको जोड़ते हैं, क्या हो गया?
म्यू नॉट आई सी लूप नंबर सेकंड बराबर म्यू नॉट क्यों आ रहा है ठीक है भैया ऐसे भैया तीसरा लूप डीएल म्यू नॉट आई सी के बराबर आ रहा है भैया यहाँ पे म्यू नॉट क्यों आ रहा है सुन रहा देखो चौथा लूप का फंडा नहीं सुन रहा चौथा लूप क्यों बना भैया लूप नंबर चार किस लिए बना पता नहीं क्या हो गया भैया पता नहीं लेकिन आपको पता क्यों बना वो पता नहीं क्या था टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड वो पता नहीं क्या था भैया चार टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड थी जिसने कलेश तारा था जिसको हमने क्या कर दिया डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्प्लेसमेंट करंट अभी इसकी एक्सप्रेशन भी करेंगे बच्चा ध्यान में आ गया इसकी एक्सप्रेशन भी हम करेंगे ठीक है डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो भैया ये था इसका मतलब कि भैया एम्पियर जो थे वो कहीं गलत हुए थे कहां गलत हुए थे तो इस स्पेस के लिए गलत हुए थे उनने केवल ये बताया था कि कंडक्शन करंट गिव राइज मैग्नेटिक फील्ड लेकिन आगे मैक्सवेल ने क्या देखा कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड ठीक है भैया तो इन्होंने बताया कि भैया मैक्सवेल जो आपकी इक्वेशन है जिसमें हमने केवल आईसी यूज किया है उन्होंने यहां पे जो करंट यूज किया था कौन सा करंट था आईसी करंट इंडक्शन करंट लेकिन बेटा इसके साथ ये नहीं आएगा इसके साथ एक और टर्म आनी चाहिए क्या आनी चाहिए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आनी चाहिए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी डिस्प्लेसमेंट करंट ठीक है भैया टाइम वेरिंग करंट या डिस्प्लेसमेंट करंट इसके साथ आना चाहिए तो अब देखिए भैया सुन लीजिए आप बोलोगे भैया ये दोनों एक साथ कैसे होंगे तो भैया एक बात ध्यान होना जब तक कंडक्शन रहेगा तब तक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी लेकिन यहां पे देखिए भैया यहां देखिए यहां पे कौन है कंडक्शन टाइम वेरिंग कंडक्शन नहीं यहां पे कौन है Like your time varying electric field. Conduction current है? Conduction current. हाँ है. No. नहीं है. है है कहाँ पे हाँ बताइयो. ठीक है भाई. तो इस बात को ध्यान रखना कि दोनों एक दूसरे की presence में ही absence करेंगे. तो ये absence में ही presence करेंगे अपनी. ये भैया conduction current है तो displacement current नहीं होगा. Displacement current है तो conduction current नहीं होगा. भाई copy कर लीजिए. मैं कर रहा है भैया हाँ भाई भैया इससे नोट भेज होगी क्या कह रहा है नोट्स अबे अभी कॉपी कर लेना इसको इतना बढ़िया नोट्स भी थोड़े दे रखा होगा इतना तो किसी देर बुक देखेगा ना पागल जाएगा इसको सुन भी नहीं आएगा तेरे को पढ़ लियो भैया हाँ भाई भाई एक बार कंडक्शन करंट और ये डिस्प्लेसमेंट करंट बता दो बिल्कुल अलग ये देखो कंडक्शन करंट क्या होता है जो वायर कंडक्ट करता है और डिस्प्लेसमेंट करंट कोई करंट करंट नहीं होता वो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है कैसा है जैसे कंडक्शन करंट होता है इसीलिए हमने उसको कंडक्शन करंट का नाम दिया एक्चुअल में वो कंडक्शन करंट है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है समझ गए बेटा और भाई कैपेसिटेंस के अंदर क्या है कैपेसिटर के अंदर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसने क्या बनाई है मैग्नेटिक फील्ड बनाई है अब समझाने वाला कदम काम पूरा खत्म हो गया अब जो आएगा केवल लिखने वाला काम आएगा ठीक है भैया तो कल हम कंडक्शन करंट डिस्प्लेसमेंट करंट में डिफरेंस करेंगे आपको काफी कुछ पता ही लग गया होगा कंडक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट के डिफरेंस में ठीक है भैया और उसके बाद फिर कल और भी सारी चीजें करेंगे मैक्सवेल की इक्वेशन में सुधार केवल हमारा रिटर्न वाला काम रह गया ठीक है भैया समझाने वाला काम इस चैप्टर का है और लास्ट में हम करेंगे भैया मैग्नेटिक डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी दो तीन टॉपिक है मैं बता देता हूँ भैया मेरी फेवरेट बुक से ठीक है तो भैया हमारे पास कौन कौन से टॉपिक से मैक्सवेल इक्वेशन कर लेंगे कल हमें क्या करना है मॉडिफाइड एम्पीयर सिग्नल लॉ अभी कर दूंगा मॉडिफाइड तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है कल ही करेंगे ठीक है छोटी सी इक्वेशन है उसमें बस आईडी छोड़ देना आईडी बोला तो डिस्प्लेसमेंट करंट बन गया मॉडिफाइड मैक्सवेल इक्वेशन कुछ और नहीं करना उसके बाद हमें प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़नी है
और आपके एनसीईआरटी के पीछे बहुत सारी साथ दे रखी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और उन सातों वेव्स की प्रॉपर्टी फ्रीक्वेंसी को याद रखना, ठीक है भैया। तो वो तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, वो आपको ही पढ़ना, ठीक है भैया। उसका प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी नहीं, सॉरी, इसकी एप्लीकेशन फ्रीक्वेंसी यहाँ से आता होती है, तो आपको याद करना, ठीक है भैया। उसके बाद भैया इसका न्यूमेरिकल मैं साथ में करा दूंगा ताकि न्यूमेरिकल जनरेट हो जाए, ठीक है। ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, 8-9 न्यूमेरिकल है, ठीक है भैया। उसके बाद भाई सेकंड बुक होगी, सेकंड बुक मंगलवार से ऑफलाइन भी चालू होगी, ऑनलाइन भी चालू होगी, तो ऑफलाइन वाले ऑनलाइन में आके अपना आराम से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है भाई। भाई ऑफलाइन में कहाँ आना है, घर पे आपके? ऑफलाइन में सेम पढ़ाओ दोनों में, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में। अरे कहाँ आना कहाँ है, ट्यूशन में और कहाँ आएगा, अपने घर पे? अच्छा करा दियो भाई, ठीक है भाई, मिलते।